बंगाल में फिर भड़की हिंसा, टीएमसी और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच हुई पत्थरबाजी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी की प्रतिमा पर ममता दीदी की राजनीति, भावनात्मक राजनीति कर रही है ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल 2019 के चुनाव का सबसे हॉट टॉपिक बन चुका है। राजनीति और अहंकार में डूबी बंगाल की ममता सरकार अब हिंसा के बाणों की वर्षा बड़े जोरों से कर रही है। बंगाल में यूं तो हिंसा पहले से ही जारी थी, लेकिन अब सार्वजनिक तौर पर अमित शाह की रैली पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं द्वारा की गई हिंसा साफ दर्शाती है कि बंगाल अब दूसरा कश्मीर बनने की कगार पर है। आजकल राजनीतिक गलियारों में पुराने विषयों पर राजनीति करने के ट्रेंड से प्रेरित होकर ममता दीदी ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी की प्रतिमा के साथ भी राजनीति कर ली। अमित शाह के रोड शो के दौरान टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने कॉलेज के अंदर से रैली के ऊपर पत्थर बरसाए। यही नहीं, उन्हीं के कार्यकर्ताओं ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी की प्रतिमा को तोड़ा और उसका इल्जाम भी भाजपा पर लगाया। ऐसा दावे के साथ इसीलिए कहा जा सकता है क्योंकि ममता बनर्जी शुरू से ही नहीं चाहती थी कि अमित शाह का रोड शो बंगाल में हो, इसलिए उन्हें हेलीकॉप्टर लैंडिंग की भी अनुमति नहीं दी गई। इससे पहले भी कई बार बंगाल में टीएमसी के कार्यकर्ताओं द्वारा ऐसी हिंसा देखने को मिली है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम में भी टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने ऐसी ही हिंसा फैलाई थी। टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने रोड शो के 2-3 घंटे पहले से ही भाजपा के पोस्टर्स फाड़ना शुरू कर दिए थे। इसका मतलब रैली का विरोध तो टीएमसी कार्यकर्ता पहले से ही कर रहे थे। जिस कॉलेज में ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी की प्रतिमा थी, उस कॉलेज का दरवाजा अंदर से बंद था और अंदर टीएमसी के कार्यकर्ता थे। अब गौर करने की बात है कि भाजपा कार्यकर्ता बाहर थे और प्रतिमा कॉलेज के अंदर 2 दरवाजों बाद थी। अब गौर करने की बात है कि भाजपा कार्यकर्ता बाहर थे और प्रतिमा कॉलेज के अंदर 2 दरवाजों बाद थी और कॉलेज का दरवाजा अंदर से बंद था। इसके बाद भी सबूत मिले हैं कि ना तो ताला तोड़ा गया है और ना ही दरवाजा। अब सवाल यह उठता है कि ऐसे में भाजपा कार्यकर्ता प्रतिमा को कैसे तोड़ सकते हैं। ममता बनर्जी इस विषय पर अच्छी राजनीति करती नजर आ रही है। इस घटना के बाद अपनी गलती छिपाने के लिए ममता हर संभव प्रयास कर रही है। घटनास्थल पर पहुंचकर टूटी हुई प्रतिमा के टुकड़े उठाना, उस पर दुख जताना, टीएमसी के ट्विटर ऑफिशियल पेज की डीपी बदलकर ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी की तस्वीर लगाना, इससे ममता बनर्जी केवल भावनात्मक राजनीति कर रही है और अपना वोट बैंक बचा रही है। रिपोर्ट अखबार जगत। इसी तरह के वीडियोस देखते रहने के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अखबार जगत।